अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों जामिया मिल इस्लामिया आज का पेपर को पोस्टपोन कर दी, आज कैंसिल कर दी, आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी कि आज का पेपर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। जामिया मिल इस्लामिया ने आज का पेपर था उनका, फर्स्ट में 2023 का उनका पेपर था होटल मैनेजमेंट का, ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड फूड विभाग का। तो आज जामिया इस्लामिया इस पेपर को आखिर कैंसिल क्यों की? पेपर का कैंसिल करने का वजह क्या है कि आज आखिर जामिया इस्लामिया ने पेपर को कैंसिल कर दी? वजह यह था, आज दिल्ली में बहुत ही ज्यादा हेवी रेन हुआ, रेन की वजह से जामिया इस्लामिया पेपर को कैंसिल कर दी। ये पेपर कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल पे बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, पूरा कंटिन्यूटी के साथ देखना एंड अच्छे तरीके से देखना। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना किया हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट स्टडी कर सकते, फ्री में स्टडी मटेरियल भी वहां से डाउनलोड कर सकते, ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आसानी के लिए आपको बता दिया कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते। तो आज का पेपर कैंसिल होने का मेन वजह क्या था? हेवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जितना भी बच्चे थे टाइम पे नहीं पहुंच पाए। आपको पता है डेढ़ घंटा का पेपर होता है, अब डेढ़ घंटा के पेपर में बच्चा कैसे उस चीज को कर सकता? अब डेढ़ घंटा में भी बच्चे कट पेपर में कुछ क्वेश्चन रह जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। उसमें अगर बच्चा हाफ एन आवर वन आवर लेट पहुंचेगा बारिश की वजह से तो कैसे पेपर हो पाएगा, कैसे कर पाएगा? इसीलिए बच्चे के बेहतर के लिए जामिया मिल इस्लामिया, जामिया डिपार्टमेंट, जामिया के कंट्रोलर, जामिया के वीसी, सबका डिसीजन के ब्याप पे यह डिसीजन लिया गया कि आज का पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। और आज का पेपर पोस्टपोन हो गया। बहुत सारे बच्चों को यह इल्म नहीं होगा कि आज का पेपर कैंसिल हो जाएगा, और अल्लाह का मसलियत था, ऐसा सीन हुआ और पेपर कैंसिल हो गया। इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। बच्चे को फायदा क्या होगा? कुछ बच्चों को नुकसान होगा, कुछ बच्चों को फायदा होगा। पहले आपको बता दो फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा। अब ये जब पेपर होगा तो इसमें हफ्ता दिन, 10 दिन 15 दिन के बाद आपका पेपर होगा, तो 10 दिन 15 दिन आपके पास टाइम मिल गया, टाइम ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, जिससे क्या होगा, 10 दिन आपका टाइम मिल गया तो आप 10 दिनों में स्टडी अच्छे से कर लोगे, 10 दिन स्टडी करने का आपको टाइम मिल गया, पहला वजह। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि टाइम से नहीं पहुंच पाए थे, उनका ट्रेन मिस हो जाना, ट्रेन का लेट हो जाना, बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो पेपर अपना नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती। तो ये भी फायदा हो गया, उनका पेपर ड्रॉप नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ। एंड इसका नुकसान क्या है? नुकसान तो देखो तो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत पैसे का नुकसान हो सकता है। अब पैसे क्या नुकसान है, बहुत सारे गार्जियन का मेंटेलिटी होता है कि इसी टाइम से ऐसे जाना है कि बच्चे के पेपर देके उधर से वापसी चले जाएंगे। डिफरेंट स्टेट से बच्चे माइग्रेट करते हैं, आते हैं पेपर देने के लिए, कश्मीर से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, तो जो दूर दूर का सिटी है, मुंबई से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, सारे जगह से आते हैं। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है, वो इसी हिसाब से अपना टिकट वगैरह बुकिंग कराते हैं कि अगर हम पेपर दे दिए उसी के हिसाब से अपना ट्रेन पकड़ के चले आएंगे। लेकिन जब पेपर कैंसिल हो गया तो फिर उनको रुकना पड़ेगा। जब तक जामिया मिल इस्लामिया का डिसीजन नहीं आ जाता है कि कब पेपर ये होगा, तब तक उनको स्टे करना होगा, तब तक उनको रुकना होगा। अब उनको रुकना होगा, अब ये अपडेट जल्द से जल्द जामिया मिल इस्लामिया इसको अपडेट करेगी कि आपका पेपर कब होगा। 10-15 दिन से पहले तो पेपर होने से रहा, फिर भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है हो जाए पहले भी, लेकिन आपको मैं जल्द से जल्द अपडेट दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि पेपर कब होगा, आपको नोटिफाई कर दूंगा। जितना भी मेरा सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि कब और किस दिन पेपर, सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल के लिए आप आज भर के लिए रुक जाए, स्टे कर जाए दिल्ली में जो भी बच्चे हैं, क्योंकि
आप स्टे कर देंगे, हो सकता है कि डिसीजन आपको मिल जाएगी इस दिन को पेपर, उसके हिसाब से अपना मेंटेलिटी आप सेट कर लेना, ठीक है। तो वेट कर, बस ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई कि बच्चे आखिर रहेंगे कहाँ, कहाँ से लॉज लेंगे, कहाँ लेंगे, पीजी लेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन अब मुद्दा मेन आता है कि हम कैसे पता करेंगे कब हमारा पेपर होगा। तो बहुत ही जल्द इस चैनल पे आपको वीडियो डल जाएगा, उस वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि आपका पेपर कब है, किस दिन को है, आपको बता दी जाएगी। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कोई भी एजुकेशनल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दें, जिससे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। एंड दोस्तों, अगर किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि आपको कोई वीडियो चाहिए, आप अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक बताएं, उसके ऊपर आपकी वीडियो बनाई जाएगी। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।